बांग्लादेश में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन हिंसक हो गया और देखते ही देखते वो सरकार विरोधी आंदोलन बन गया। हालात इतने बिगड़ गए कि प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा और देश छोड़कर जाना पड़ा। इसी बीच उनके बेटे का बयान सामने आया, जहां उन्होंने बताया कि शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, मगर हालात बिगड़ते देख उनको जाने के लिए मनाया गया। शेख हसीना के बेटे और पूर्व मुख्य सलाहकार सजीब वाजेद जॉय ने एनडीटीवी को बताया, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन परिवार के आग्रह करने पर उन्होंने ऐसा किया। उनके बेटे जॉय ने कहा, वो यहीं रहना चाहती थी, वो बिल्कुल भी देश छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन हम इस बात पर जोर देते रहे कि ये उनके लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हम उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित थे, इसीलिए हमने उनको देश छोड़ने के लिए राजी कर लिया। इसके आगे शेख हसीना के बेटे सजीब वाजेद जॉय ने उनके बारे में बात करते हुए बताया कि मैंने उनसे बात की है। बांग्लादेश में स्थिति जैसा कि आप देख सकते हैं अराजकता की बनी हुई है, लेकिन वो बहुत निराश हैं। ये उनके लिए बहुत निराशाजनक है, क्योंकि बांग्लादेश को एक विकसित देश में बदलना उनका सपना था और उन्होंने पिछले 15 सालों में इसके लिए बहुत मेहनत की, इसे उग्रवादियों से और साथ ही आतंकवाद से सुरक्षित रखा, और इन सब के बावजूद इस मुखर अल्पसंख्यक विपक्ष उग्रवादियों ने अब सत्ता पर कब्जा कर लिया है। उनके बेटे ने आगे बात करते हुए कहा कि हमें उम्मीद है कि बांग्लादेश में चुनाव होंगे, लेकिन इस समय हमारी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे संभव होंगे। एक तरह से यह अब परिवार की जिम्मेदारी नहीं है। हमने दिखाया है कि बांग्लादेश का कितना विकास कर सकते हैं, और अगर बांग्लादेश के लोग खड़े होने के इच्छुक नहीं हैं और वे इस हिंसक अल्पसंख्यक को सत्ता पर कब्जा करने के लिए तैयार हैं, तो लोगों को वो नेतृत्व मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। आपको बता दें कि शेख हसीना ने देश छोड़ दिया और फिर उसके बाद प्रदर्शनकारी पीएम हाउस में घुस गए और जमकर उत्पात मचाया। सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि प्रदर्शनकारी वह आराम फरमा रहे हैं और तो और घर में रखा सामान भी आंदोलनकारी लूट कर ले गए। फिलहाल बांग्लादेश के हालात बेहद नाजुक हैं और देश में सेना का शासन लागू हो चुका है। पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है, स्कूल कॉलेजेस और मार्केट्स को भी बंद कर दिया गया है। वहीं भारत बांग्लादेश सीमा पर भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल बांग्लादेश में हालात सामान्य होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है।